दोस्तों कबूतर देखने के लिए तो टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके अलावा कुछ और करना पड़ता है। मैं वाइजा मनोज आपके सामने फिर से मौजूद, और पिछली दफ़ा मैंने फर्स्ट एपिसोड पे आप सबको तो हॉस्पिटल्स का विजिट करवाया था, उसी का सेकंड एपिसोड है। आज मैं यूनिक और दूसरी जगहों पे आपको विजिट करवाऊंगा। जैसे कि आप मेरा बैकग्राउंड देखकर जान सकते हैं मैं एक ग्राउंड में खड़ा हूँ। ये ककरी ग्राउंड है, मैं आगे जाके बता रहा हूँ, लेकिन मैंने एड्रेस मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ककरी ग्राउंड बेसिकली खारदर में मौजूद है, मेन रोड पे, खारदर और तकरीबन नयाबाद के बीच में। आप उसके दो तरफा गेट मिल सकते हैं और वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। तो दोस्तों जैसा कि मैं कह रहा था कि आज आपको यानी कि बड़े बड़े ग्राउंड में मकानी जगह पर मार रहा है, मैं कंटिन्यू करूँगा। मैं मौजूद हूँ मौलाना मोहम्मद अली जौहर पार्क ककरी ग्राउंड में, जो कि बहुत ही मशहूर है, सिर्फ ककरी ग्राउंड के नाम से यारी में मौजूद है। और यहाँ पे बच्चे तरह तरह के खेल खेलने आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि पतंगबाजी, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, मुझे भी बड़ा शौक है फुटबॉल खेलने का, लेकिन क्या करें मेरी फील्ड ही अलग है, मैं इस फील्ड में आजकल मौजूद हूँ। और मैं आपको ये साथ साथ बताता चलूँ कि इसकी जो है ना बहुत ही खासियत बातें भी है, जो कि हमारी मोहतरमा बेनजी और महिमा की शादी इस ग्राउंड में हुई थी, जिनकी शादी नहीं मनाई गई थी शुरू नाम से। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मुख्तलिफ क्लब मौजूद हैं, जैसे कि कराटे, बॉक्सिंग, फुटबॉल, और यहाँ से काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान नेशनल और इंटरनेशनल गेम भी खेल चुके हैं और अपना नाम भी रोशन कर चुके हैं, और साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर चुके हैं। आइए मैं आपको ज़रा ग्राउंड की पूरी विजिट कराता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि स्पोर्ट्स मेरी हॉबी रह चुकी है, तो ग्राउंड में पहुँचा हूँ थोड़ा बहुत, तो खेलना तो बनता है। दो शॉट्स प्लीज देख लेना। आप इसे मेरी खुशकिस्मती कह सकते हैं कि रात चलते वो अपने घर जा रहे थे, मैंने रोक दिया उनको। मुझे एक बहुत ही नेशनल गेम के प्लेयर मिल चुके हैं यहाँ पे बॉक्सिंग के, जो आने वाले वक्त में उन्होंने कहा है मेरे सामने, क्योंकि मैं थोड़ा बाद में कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा उसका टाइम मांग रहा। देखो कैसा आदमी है वाजिदा बलोच, रात चलते लोगों को भी पकड़ लेते। और इत्तेफाकन आप बात देखें इनकी, उनके बारे में सब कुछ बता दिया लेकिन नाम नहीं पता है। अब लोग कैसे सर्च करें उसको, ये उसकी गलती है, उसके लिए मैं माजद मां करता हूँ आप सबसे। आने वाले वक्त में वो नेशनल गेम खेलने भी जा रहे हैं, तो आइए मैं जरा उनसे कुछ बातचीत कर लूँ और आपसे भी खुलासे करवा दूँ। सर आप कहाँ कहाँ खेल चुके हैं बॉक्सिंग में? इंशाल्लाह मतलब आपको कैसा लगता है ये गांव, यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, हर तरह के स्पोर्ट्स हैं यहाँ पर? मैं 2000 से यहाँ पर, 2000 से माशाल्लाह के, मतलब यहाँ पर ट्रेनिंग कर करके आप जो है ना अपनी बॉडी भी मेंटेन कर सकते हैं एज एन एथलीट, ठीक है ना, आप खुद को मेंटेन कर सकते हैं परफेक्ट नस्ल बॉडी। वाह यार ग्रेट, 19 साल हो चुके हैं इनको, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं बॉक्सिंग के। आप अपना नाम ज़रा बताएंगे पब्लिक को? मेरा नाम साजिद फरमान है। उनका नाम साजिद फरमान है, दोबारा सुन लो साजिद फरमान, उनको सर्च की जरूरत करना, बहुत ही ग्रेट प्लेयर हैं। तो इसी के साथ अब ग्राउंड में कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं, ठीक है, टाइम हमारे पास वेट करने का। गाइस लव यू। तो इस तरफ है तो ज़रा चले फुटबॉलर्स के पास, एक मिनट वेट। दोस्तों इनके अलावा भी यहाँ पे और भी स्पोर्ट्समैन हैं, जैसे कि आप मेरे सामने देख सकते हैं फुटबॉलर्स खड़े, आइए उनसे भी रिजू करवा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये फुटबॉल टीम मौजूद है मेरे पास, बहुत ही सपोर्टिव है, यहाँ पे सारे यूथ लड़के आप देख सकते हैं, सब यूथ है मेरे सामने, और ये फुटबॉल प्लेयर है माशाल्लाह, इनको खेलते हुए भी हम दिखाएंगे। कितना बोलते हो वाजिद भाई, कितना बोलते हो, सब खुद ही बोलोगे तो क्या फ़ायदा, दूसरों को भी बोलने दो, आपको सुन सुन के पक जाएंगे लोग। अंजला मोहम्मद असलम कहाँ गया था? इंडिया भी गए, अभी इंडिया भी गए। वाओ ग्रेट यार, कौन सी टीम?
मतलब लियारी का बच्चा है यार, आप कह सकते हैं ये चीज़ें कि लियारी इतना नहीं इतना बड़ा है। पहले ही कह चुका हूँ कि मैं स्पोर्ट्स लवर रह चुका हूँ और मेरी हॉबी हो चुकी है, तो उसमें हैरानगी की बात नहीं है कि मैं भी फुटबॉल खेल सकता हूँ। यहाँ पे बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी यहाँ से खेल चुके हैं, इनके मैं कुछ नाम जानता हूँ शायद, क्योंकि मैं खुद भी इस ग्राउंड में खेल चुका हूँ। औरंगजेब बलोच, जावेद बलोच, डोडो के नाम से एक प्लेयर मशहूर था। यहाँ पे कलड़ी स्टार नाम का एक टीम है, कराची मामदन, ये सारे क्लब के टीम है, ये उस्मान पार्क के बहुत ही मशहूर। और यहाँ पे अक्सर ये देखी जाती है कि बहुत ही पुराने पुराने प्लेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं आज तक, क्योंकि फिलहाल तो सिर्फ एक ही बंदा मुझे नज़र आ रहा है जिससे आपको बातचीत भी करवाऊँगा। इसी के साथ साथ ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं मेरे साथ, ये चाह रहे मैं इनको कैमरे में लेकर आऊँ, मुस्कुरा रहे या पॉज चाहिए, ये बहुत अच्छा प्लेयर अभी मेरे साथ खेल रहा था रोनाल्डो जी, ठीक है ना, रिवाल्डो रोनाल्डो ये सारे बच्चे हैं यारी के बच्चों के सामने। जैसे कि गाइस आपने ग्राउंड को देख लिया, यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, खेल भी रहे हैं, पतंगबाजी भी कर रहे हैं और खेल भी रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रैक्टिस भी चल रही है और मेरे साथ बहुत ही पुराने ग्रेट प्लेयर मौजूद हैं जिनका नाम है औरंगजेब बलोच और मैं उनसे काफ़ी बातचीत करना चाहूँगा। औरंगजेब भाई, ज़रा आप बताएँगे कि ये ग्राउंड कब इन्वेंट हुआ और ये क्लब तकरीबन कब से है और कितना पुराना है? और मैं तो पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ मेरे वाजिद भाई का, जो इस हालात में इस तरह के काम कर रहे हैं जो आज तक मैंने नहीं देखा है। तो न्यूज़ वाले कभी कभार आते थे, हमारा ये पसमानदा इलाका है, इस ग्राउंड को तकरीबन 30 से 40 साल हो गए और हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे आते हैं मेहनत सीखने के लिए। मैं खुद इंटरनेशनल फुटबॉलर हूँ और स्वीस सदरन केस में मेरी जॉब है, हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि हम भी इंटरनेशनल प्लेयर बने। तो जैसे कि आपने जाना 30 साल हो गए इस ग्राउंड में, बहुत पुराना ग्राउंड है और ये क्लब भी उसी वक्त तक का है शायद। मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं भी खुद बचपन में खेल चुका हूँ, लेकिन औरंगजेब भाई ने पहचान लिया लेकिन नाम से नहीं जानते थे मुझे। मैं भी यहाँ खेल चुका हूँ, ये बहुत पुराना यहाँ पे क्योंकि डेवलपमेंट आप पीछे देख रहे हैं उस वक्त नहीं थी जब मैं छोटा था, इस ग्राउंड में खेलने आता था, तो ये इतना बहुत वीरान था, मतलब कहने का मकसद ये है। लेकिन अब इसको आबाद किया गया है, डेवलप किया गया है और मज़ीद यहाँ पे तरक्याँ जारी है। आने वाले वक्त में ये ग्राउंड शायद हो सकता है कि ग्रासिंग भी हो जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। बहुत खुशी हुई और हमसे बलोच साहब से मिलकर, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अलग की दुआओं को कबूल करें और यहाँ पे जितने भी पैशनेट बच्चे हैं वो आगे चल के इंटरनेशनल गेम खेलें, तैयारी का नाम मशहूर करें, इस ग्राउंड का नाम मशहूर करें और पाकिस्तान का नाम भी मशहूर करें। थैंक यू गाइज, इसी के साथ हम नेक्स्ट ग्राउंड पर चलते। गाइज मैं बताना भूल गया, ये सेकेंड ग्राउंड है, इसका नाम है उस्मान पार्क और ये मौजूद है लियारी में तकरीबन कलरी के सामने। जी हाँ दोस्तों, ये कलरी के सामने मौजूद है उस्मान पार्क के नाम से और इसको भैया बाग भी कहते हैं प्यार से लियारी के लोग। तो ये हमारी सेकेंड लोकेशन है, इस पर भी बातचीत चल रही है और आप व्यूज़ भी देख रहे हैं। तो इसी के साथ हम वीडियो पर कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन के लिए। साल पुराना किया है ये भाई, 20 साल से यहाँ है, मतलब वाओ, ये भी बहुत बड़ा है भाई लियारी के। और ये यहाँ सारी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने शरबत जब हम अपने बचपन में पीते थे, गोला गंडा ये वो शरबत वगैरह सब इंजॉय होता था यहाँ पे। तो मैं मुझे लगता है कि मेरे DOP साहब ज़रा गुस्से में है, उन्होंने उनके कंधे पर बैग भी दिया कि मैं भी। जब पता भी है तो DOP गुस्से में है तो बैग क्यों दिया? नहीं बनता ना ऐसा, क्यों करते हो वाजिद भाई ऐसे? हाथ में दिया मैं उसे बैग ले लेता हूँ, ठीक है, सॉरी DOP भाई। जरा पीछे आप देख सकते हैं, ये है तीसरा ग्राउंड जिसका नाम है फूल पत्ती यानी लियारी ग्राउंड, लियारी के नाम से ही मशहूर है ये ग्राउंड। और पीछे एक मैच भी चल रहा है, मतलब सोने पे सुहागा, पीछे ग्राउंड बहुत है और यहाँ पे क्राउड भी बैठी हुई है, वहाँ पे आपने क्राउड नहीं देखा, मेरे साथ मैच देखिए।
दोस्तों ये थर्ड लोकेशन है लियारी ग्राउंड, जो लियारी जनरल हॉस्पिटल के सामने है। मेरे प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा होगा, मेरा फर्स्ट विजिट लियारी जनरल हॉस्पिटल में था, तो ये उसी के सामने है लियारी ग्राउंड। लियारी ग्राउंड के नाम से मशहूर है ये, और ये आपको मौजूद पड़ेगा कलरी में। आगे आप जाएंगे तो कलरी का इलाका वहाँ पड़ता है, ये लियारी में वही मौजूद है। मोदी साहब जब कैमरा घुमा देते तो पता नहीं क्यों मैं खामोश हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें चलेगी और थोड़ा सा प्यारा सा म्यूजिक चलेगा, इसको आप कब से इन्जॉय भी कर रहे हैं स्टार्टिंग से, साथ से आप एक म्यूजिक सुना उसको भी इन्जॉय करें, तो मुझे देख देख के ग्राउंड्स को देख देख के बोर ना होगा। गोला गंडे को देखकर आपका भी दिल कर रहा होगा कि मैं खा लूँ, मेरा भी कर रहा था, पैसे नहीं थे इसीलिए। जैसे कि दोस्तों आप सब देख सकते हैं यहाँ पे एक फुटबॉल मैच चल रहा था, मेरे आने के साथ ही खत्म हो गया, ना जाने क्यों, शायद मुझे देख के लोग कह रहे थे दोस्त मैच खत्म हो चुका है और यहाँ पे पब्लिक जा रही है, लेकिन आप पब्लिक को देख सकते हैं, क्राउड यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को ज़रा कहना चाहूँगा कि ज़रा आप प्लीज वहाँ दिखाएंगे कि किस तरह यहाँ पे लोग आते हैं मैच देखने के लिए, ज़रा आइए अंदर ग्राउंड पे आते हैं। मैच खत्म हो चुका है तो ग्राउंड में जाना अलाउड है। यहाँ पे इस वक्त एक मैच चल रहा था, कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्राउंड हैं, यहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं आज भी, और यहाँ से प्लेयर्स इंटरनेशनली खेलने भी जाते हैं। खुदा के वास्ते वाजिद भाई, बात ख़त्म करके ग्राउंड में ले चलेंगे आप प्लीज़, पब्लिक बोर हो रही है, आइए ज़रा ग्राउंड का लुक लगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और हमारे मुस्तकबिल के सरमाया होते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत उनके साथ घुल मिलना खेलना बड़ा मज़ा आता है। और लियारी के खासकर बच्चे हमारे स्पोर्ट्स के ही नाम से मशहूर हैं, और इतने इतने बच्चे और बड़े बड़े जो यंगस्टर हैं एडल्ट्स हैं वो सब स्पोर्ट्स को बहुत प्यार करते हैं, बहुत पसंद करते हैं और पैशनेट हैं इसके हवाले से। इसीलिए मैं बच्चों के साथ भी हूँ, बड़ों के साथ तो मिला नहीं सका, आपको एक दो ऐसे लोग मिल गए जिनके साथ मैं आपकी मुलाकात करवा भी ली। तो यहाँ से जाहिर होता है कि स्पोर्ट्स के हवाले से लियारी बहुत आगे है, इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे, लियारी के बच्चे ही करेंगे इंशाल्लाह, ये मेरा दावा, ये मेरा वादा है आप सबसे। तो इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं यहाँ पर भी जो है ना बहुत बोलने लग गया हूँ, तो प्लीज़ गाइज इस तरह की ऐसी इंटरटेनमेंट के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना कभी मत भूलना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई मेरी वीडियो तो उसको शेयर भी करना, सिर्फ सब्सक्राइब करने से फ़ायदा नहीं होगा, शेयर करोगे तो दीगर लोग भी लियारी के हवाले से जानेंगे कि लियारी क्या है।